मध्य प्रदेश में भाजपा के सत्ता से बाहर होने के बाद अब भाजपा नेता अपने इलाकों में आभार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन इन सभाओं में भाजपा नेताओं का गुस्सा भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। रैलियों में भाजपा नेता उलझलूल बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रदेश की पथरिया विधानसभा में देखने में आया है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व भाजपा विधायक लखन पटेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पटेल कह रहे हैं कि कुछ लोग मेरे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं कि वे उन्हें देख लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ताओं को छुआ भी गया तो छलनी कर दिए जाओगे। अभी एक दो दिन में मैंने देखा, एक दो कार्यकर्ताओं के पास किसी का फोन आया कि देख लिए जाओगे, तुमने बहुत काम किया। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, उनको इसके मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर किसी कार्यकर्ता को एक छू दिया जाएगा तो छलनी कर दिया जाएगा। अगर किसी कार्यकर्ता को एक छू दिया जाएगा तो छलनी कर दिया जाएगा, छलनी कर दिया जाएगा। चलो कोई नहीं हो, पूर्व विधायक ने ये बातें कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि आप जीते हो, यदि लोगों ने जनादेश दिया है तो उसका सम्मान किया जाए। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी मंत्री अर्चना चिटनिस का एक ऐसा ही बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे वोट नहीं देने वाले खून के आंसू रोएंगे। अब एक बार फिर भाजपा नेता के इस बयान ने भाजपा की किरकिरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।